अगे बढ़ते हाँ। चंडीगढ़ च यूथ कांग्रेस के वालों प्रदर्शन किया गया है, नीट पेपर लीक के मामले में लैके प्रदर्शन किया गया है। यूथ कांग्रेस वालों मामले की जांच की मांग की जा रही है। इस दे नाल ही केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री का अस्तीफा भी मंगया जा रहा है। सड़कों पर उतरे ने यूथ कांग्रेस के वर्कर। चंडीगढ़ के नीट पेपर लीक मामले के प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यूथ कांग्रेस वालों मामले की जांच की जा रही है। हालांकि लगातार इस मामले के सुप्रीम कोर्ट के भी सुनवाई हुई है। विरोधी धिरों के वालों लगातार सत्ताधारी धिर को घेरिया जा रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। नीट की प्रीख्या रद्द करने की मांग की जा रही है। कांग्रेस के वालों प्रदर्शन किया गया। इल्जाम यही ने कि नीट पेपर लीक होया, नीट का पेपर जिसनों लैके सड़कों पर उतरी है कांग्रेस। यूथ कांग्रेस वालों चंडीगढ़ के प्रोटेस्ट किया गया। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अस्तीफा भी मंगया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। सर क्या आज किस चीज के लिए आप प्रोटेस्ट आज कर रहे हैं, एक बार प्लीज हमें बता दीजिए। हम सारी पंजाब यूथ कांग्रेस की टीम फेक डिग्रीज जो हैं वो आज लेके आए थे। उसका कारण है कि जो ये हाथ में हमारे डिग्री है और जो आज गवर्नर साहब पीयू में डिग्री बांट रहे हैं, उसमें भविष्य में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। जिस हिसाब से पेपर लीक हो रहे हैं, जिस हिसाब से नौजवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उससे ये लगता है कि ये डिग्री और वो डिग्री जो गवर्नर साहब दे रहे हैं उसमें कोई अंतर नहीं है। इसीलिए आज हमने गवर्नर साहब तक भी रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी थी कि हमारे साथ बैठ के जो अंदर डिग्रीज दे के आए हैं, हमारे साथ बैठ के ये वाली डिग्रीज भी दें, क्योंकि उसमें कोई अंतर नहीं है। तो ऐसा मतलब कि क्यों आपको मतलब कि क्या हो, मतलब कि इसमें क्या हमें लगता है कि करप्शन हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। क्यों, क्या मजबूरी है कि नरेंद्र मोदी जी एक भी एक्शन ऐसा नहीं ले लिया उन्होंने, जिससे जो एग्जाम्स कंडक्ट करने वाली अथॉरिटीज हैं या व्यक्ति हैं उनको बाहर अभी तक नहीं निकाला। उनके मंत्री को अभी तक बाहर नहीं निकाला, पिछली टर्म में भी वही मंत्री थे तो उनको अभी तक बाहर नहीं निकाला। इससे ये मैसेज जा रहा है कि करप्शन हाईएस्ट लेवल पे चल रही है। चार साल जो स्टूडेंट, जो नौजवान अपनी तैयारी करके एग्जाम देता है, एग्जाम के बाद पता लगता है कि वो पेपर लीक हो गया है, उसके परिवार पे और उसके मनोबल पे क्या बीत रही होगी, इसकी कोई कॉम्पनसेशन दे नहीं सकता। चार साल उसके नौजवान के एक जिंदगी के चार साल चले गए किस वजह से, क्योंकि करप्शन चल रही है ऊपर, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें करते हैं नरेंद्र मोदी जी के, रशिया और यूक्रेन की वॉर हमने अंत करवा दिया, उन्होंने करवा दिया, तो इस मसले को भी सुलझाएं। अगर सरकार आपकी बात नहीं सुनती तो आप इसके बाद कौन सा स्टेप या क्या करने जा रहे हैं? देखिए, यूथ कांग्रेस पूरे देश में युवाओं के मान और सम्मान के लिए सड़कों पर उतर रही है और हर प्रदेश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। पंजाब में भी आज हमने ट्रेलर दिखाया है, बहुत गांधीवादी तरीके से हमने यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है, धरना किया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट युवाओं के साथ इस तरीके का खिलवाड़ करती है, 2 करोड़ नौकरियों की बात कह के आज नीट में जो है पेपर लीक कर दे रहे हैं, एनटीए की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी अभी भी चुप बैठे हैं, इस देश के प्रधान सेवक अपने आप को कहने वाले मोदी जी चुप बैठे हैं, जिन युवाओं ने उन पे विश्वास व्यक्त करके उनको 2014 में जिताया था, उनको ठगने का यहाँ पे सरकार ने काम किया है। तो यूथ कांग्रेस राहुल जी की सेना के तौर पे पहले भी सड़कों पे युवाओं के लिए लड़ाई लड़ने का काम करती है, आज भी हम कर रहे हैं और आने वाले समय पे जरूरत पड़ेगी तो हम और उग्र रूपी आंदोलन यहाँ पे करेंगे।